एक बहुत बड़ी गवाही हम लोग सुनेंगे। एक भाई है दलीप, चार महीने से कूनी में शेद था, कूनी में शेद हो गया था और शेद से रेशा निकलना शुरू हो गया। इन्होंने बहुत इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं आया। डॉक्टर ने कहा था कि कूनी को हाथ को काटना पड़ेगा। फिर किसी ने चमत्कार चर्च के बारे में बताया और ये चमत्कार चर्च में आई और प्रार्थना करवाई और घर पर अभिषेक का तेल लेकर गए और लगाया। फिर अद्भुत चमत्कार हुआ, रेशा बंद हो गया, शेद बंद हो गया। पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे हाथ में चोट लग गई और चोट के कारण डॉक्टरों ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा, तो मैं कई दिन फिरता रहा और रेशा भी बहुत ज़्यादा चलता रहा। रेशा ऐसे चलता है जैसे पानी की एक धार चलती है। फिर मेरे को किसी ने चर्च के बारे में बताया, मैं यहाँ आया, यहाँ से तेल लिया और प्रार्थना करवाई, हाथ धीरे 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 सेट होने लगा। मैं पहली बारी जनवरी की पहली जनवरी को ही आया था यहाँ और अब एकदम मेरा हाथ। ये कहाँ पर था इसको दिखाइएगा, इसको जूम करके दिखाइएगा। तो यहां से पानी की धार की तरह रेशा बहने लग गया था और डॉक्टर ने क्या कहा था, हाथ काटना पड़ेगा। तो हुआ क्या था, पैर से गिरा था, पैर के ऊपर से गिर गए थे। ओके, तो यहां से जैसे पानी की धार निकलती है वैसे रेशा निकलना शुरू हो गया था। तीन दिन चला था पूरा, तीन दिन चला और तीन दिन के अंदर ही इतना ज्यादा हो गया। हाँ जी, और डॉक्टर ने कहा हाथ काटना पड़ेगा। फिर आप प्रार्थना का तेल लेके गया, चमत्कार चर्च में आई, उसके बाद प्रार्थना का तेल लगाया, उसके बाद ठीक हो गया जी। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा कितना बड़ा चमत्कार है कि हाथ से रेशा निकलता था, एकदम से पानी की जैसे धार निकलती वैसा तीन दिन ही रहा बस है? तीन दिन रहा इतना तेज। और डॉक्टर ने कहा था ये रेशा जो है, ये पानी जो निकल रही है कैंसर का हो सकता है। हाँ जी, ऐसा कहा था ना, कैंसर ही बताया था। हाँ, कि ये कैंसर का हो सकता है, हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन ये चमत्कार चर्च में आए और किसी ने इन्हें बताया कि आप चर्च में जाओ। इनकी बेटी को दुष्टात्मा थी, इनके घर में दुष्टात्मा थी और परमेश्वर मसीह ने उन दुष्टात्मा से भी आराम दिया उस बच्ची को और इस भाई के हाथ को भी चंगा किया और उस बेटी की शादी हो गई है बहुत अच्छे से। तो ये बच्चे हैं, इनकी बेटी है और ये इसकी शादी होगी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब लोग, ताली बजा का परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितना परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, कितना बड़ा चमत्कार किया, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।